नमस्कार भारत, मैं हूं आपका दोस्त सतर्क और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन आर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्कैम और फिशिंग प्रयासों के बारे में जो आपकी जीते जाते नींदें उड़ा देगा। जी हाँ, हम सुनेंगे एक ऐसी शख्सियत की कहानी जो एक बड़े घोटाले का शिकार होते होते बच गया। मिलिए रवि से, जो एक सामान्य नौकरी करने वाला व्यक्ति है। एक दिन रवि को एक ईमेल मिला जिसमें उसके फंड मैनेजर के जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड किया, ये कहते हुए कि ये ग्रुप उन्हें स्टॉक टिप्स देने के लिए है। जबकि मैसेज उसके म्यूचुअल फंड सलाहकार जैसे किसी बंदे से ही आया था। रवि ने देखा कि ईमेल का सूत्र तो थोड़ा अटपटा सा है। जल्दी में होने के कारण रवि ने उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया और लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भी भर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आप उसकी जगह होते तो शायद आप ये नहीं करते। नहीं, चाहे जितनी भी जल्दी हो, किसी भी मैसेज या लिंक पर क्लिक करने या रिप्लाई करने से पहले उसका सोर्स जरूर वेरीफाई करना चाहिए। अगर आपको भी चैन से जीना है तो हर स्कैम या फिशिंग प्रयास से सतर्क रहें, सक्रिय कदम लेकर निपटें और रहें वाइज इन एवरी वर्ल्ड। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.